हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKS वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती आई हुई है, तो ये भर्ती उत्तराखंड में आई हुई है, जिसके लिए पूरे भारत के सभी स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है फ्रेंड्स, आप कहीं से भी हों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे अप्लाई तो सभी लोग करेंगे, लेकिन जो वहाँ का कैटेगरी का छूट दिया जाता है वो सिर्फ उत्तराखंड के ही छात्रों को दिया जाएगा। अगर आप उत्तराखंड के अलावा भारत में किसी भी राज्य से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको आप किसी भी कास्ट से होंगे तो आपको जनरल ही माना जाएगा। सिर्फ उत्तराखंड के स्टूडेंटों को यहाँ पे छूट दिया जाने वाला है। तो इसके बारे में आज फुल डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ, पूरा नोटिफिकेशन। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, इससे जॉब से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले देख सकते हैं, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको टाइप करना होगा sssc.uk.gov.in पर आपको टाइप करना होगा, तो आपके सामने ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, खुल जाएगा। फिर आपको नीचे आना होगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं पदनाम कनिष्ठ अभियंता सिविल इंजीनियर के पदों पर सीधी भर्ती विज्ञापन है, तो क्लिक करें। यहाँ पे 9/7/2019 यानी 9 जुलाई को ही इसके लिए पब्लिश इसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा इसी लिंक पर, तो इसका PDF के रूप में इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य निर्वाचन परिसर, बाईपास रोड, देहरादून। तो या चयन हेतु विज्ञापन, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पर टोटल 100 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 9 तारीख को पब्लिश कर दिया गया है। इसका ऑनलाइन आवेदन आज के डेट से स्टार्ट है 15/7/2019 के, और लास्ट आप 25/8/2019 तक कर सकते हैं। और इसका फी अब अप्लाई करने के लिए आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा आप इसके लिए आवेदन फी पेमेंट कर सकते हैं, जिसका डेट 27/8/2019 रखा गया है। और इसका एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, लिखित परीक्षा का अनुमानित समय यानी टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट यहां पे दिसंबर बताया गया कि दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 25/8/2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी 25/8/2019 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है टोल फ्री नंबर, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप इसमें सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है पदों के बारे में, यहाँ पे बताया गया है कनिष्ठ अभियंता सिविल इंजीनियरिंग के कुल 100 पद हैं, टोटल 100 पोस्ट हैं। पदनाम यहाँ पे दिया गया है विभाग कनिष्ठ अभियंता सिविल पेयजल संसाधन विकास निर्माण निगम। यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 21 पोस्ट है। वहीं EWS बैकवर्ड का यानी जो सब जनरल में आते हैं उन लोगों के लिए 13 पोस्ट है, और सामान्य के लिए 66 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। टोटल 100 पोस्ट यहाँ पे आप लोग का है। उसके बाद यहाँ पे उसके वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आप पेमेंट बनेगा, और ये लेवल 7 के हिसाब से आपका पेमेंट होने वाला है। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थाई एवं अंशदायी पेंशन युक्त, शैक्षिक अर्हता अनिवार्य, यहाँ पे बताया गया अनिवार्य में देख सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पे भारत के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभिमान यहाँ पे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग एग्जाम दीजिएगा, किसी का मान लीजिए कि नंबर अगर बराबर आता है, नंबर अगर आ जाता है बराबर 60 नंबर किसी का आता है, फिर किसी का भी 60 नंबर आ जाता है, तो वैसे में क्या किया जाएगा, अगर जिसका एज ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, अगर किसी का एज कम है तो उसको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, अगर आपका सेम अंक आ जाता है। उसके बाद लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। लिखित परीक्षा होगी जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता अर्थात सिविल इंजीनियरिंग
के 3 वर्षीय डिप्लोमा से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न रहेंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य या ओबीसी के लिए यानी जनरल ओबीसी के लिए 45 नंबर लाना निश्चित है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए 35 नंबर लाना अनिवार्य यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे निगेटिव में रहने वाला है एक नंबर, अगर एक टिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे एक सही होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप लोगों का या अगर यहाँ पे आप लोगों का 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। लिखित परीक्षा के ओएमआर जो सीट है उत्तर पत्रिका ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओएमआर उत्तर पत्रिका का द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी और तृतीय प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। यह आपका ऑफलाइन यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पे आयु की बात करें तो दिया गया है आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2019 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2019 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष से आपका कम भी नहीं होना चाहिए और 42 वर्ष से यहाँ पे आप लोग का एज ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया जॉब है, पूरे भारत में आप कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लाभ मिलेगा सिर्फ उत्तराखंड वाले को ही उसके छूट का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है www.ssc.uk.government.in, इस पे ही जाके आप लोगों को इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आवेदन करना है। इसके ऑफिशियली वेबसाइट का और इसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बारे में बताया कि आपको अपना फ़ोटो, फिर इसके बाद आपका सिग्नेचर, अंगूठे का निशान, ये सबको आप लोगों को अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी से आप लोग का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क यानी अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपये रखा गया है और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 300 रुपये रखा गया है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपया और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया और दिव्यांगों के लिए 150 रुपया। अगर उत्तराखंड से आप उत्तराखंड के अलावा अगर आप किसी भी राज्य से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 300 रुपये ही चार्ज देना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब की पर्पल की खबर आप लोग को देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।